गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ इज वेल्थ ऑर्गेनिक फार्मिंग चैनले अपने के स्वागत जाने। आज के टॉपिक हलो वेस्टिज नीम कैप्सूल निये। तो चलून जेने नेवा जाक ऑफिशियल ट्रेनर मिस्टर शंकुजित गोस्वामी सरेर मुखे। जदि आपनी ए चैनले नतून हुए थाकें ताहले सबस्क्राइब करे रखबें हेल्थ रिलेटेड गुरुत्वपूर्ण भिडियोर जन्य। चलून शुरू करा जाक। आज के डेट में हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ी चैलेंज है, प्रॉब्लम है, जिसका नाम है ग्लाइसेमिक हेल्थ। और इस ग्लाइसेमिक हेल्थ के अंदर जो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल रखने के लिए जो प्रोडक्ट हमारे पास है, जो आज के युग से नहीं वैदिक युगों से जिसका काम चला आ रहा है, जिसका नाम है विस्टिज का नीम कैप्सूल। और हम यहाँ पर नीम के पत्ते के डस्ट नहीं देते, हम नीम के बीज से निकाला गया तेल इसके अंदर हम लोग डालते हैं दोस्तों, और जिससे आपको सबसे ज्यादा लाभदायक काम होता है। नीम का तेल क्या करता है, आपके डायबिटीज लेवल को कम नहीं करता। हमारे बहुत सारे लोगों का सोच होता है कि ये डायबिटीज लेवल को कम कर देता है। नो, ये आपके डायबिटीज लेवल को स्टेबिलाईज करता है। कम करना स्टेबिलाईज करने में फर्क है। स्टेबिलाईज क्या है, जैसे आप लोग घर में इस्तेमाल करते हो ना स्टेबिलाईजर, किस लिए, आपके जो बिजली है, इलेक्ट्रिक के जो पावर है उसको नियंत्रित करने के लिए, ताकि वो ज्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, एक फ्लो पे आए। मेडिकल साइंस के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी मेडिसिन हैं, या फिर जो आपके जो इंसुलिन होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके डायबिटीज को कम करने का काम करते हैं। इसलिए देखो कि डॉक्टर्स आपको क्या करते हैं कि एक दवाई लिख के दिए, उसके बाद आपको बोलते हैं कि भाई एक महीने के बाद फिर से टेस्ट कीजिए, और अगर आपका ज्यादा कम हो गया तो डॉक्टर दवाई की डोज कम कर देते हैं, अगर कम नहीं हुआ तो डोज बढ़ा देते हैं। उसी तरह से आपकी इंसुलिन के डोज भी बढ़ता कमता हुआ जाता है। और आपका जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका डायबिटीज बढ़ गया उसमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर अचानक से घट गया तो वो जानलेवा भी हो सकता है। नीम ऑयल कैप्सूल क्या करता है, आपके डायबिटीज को कम नहीं करता, वो स्टेबिलाईज करता है, एक जगह पे रोक के रखता है, और धीरे 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 उसको कंट्रोल में लाने का काम करता है। जितनी मात्रा में आपके शरीर में होनी चाहिए उस मात्रा में रखता है। तो सवाल उठता है कि नीम ऑयल क्या सिर्फ जो डायबिटीज के पेशेंट है वो इस्तेमाल करें, एकदम नहीं। जितने भी स्वस्थ लोग हो आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों, क्योंकि नीम का सबसे बड़ा जो काम है ये आपके ब्लड को, आपके खून को प्यूरीफाई करने का काम करता है। आज के डेट में हमारे खून के अंदर टॉक्सिन्स लेवल बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है केमिकल्स यूज करने की वजह से, तो हमारे खून को साफ करता है। अगर खून साफ रहे तो आपका स्किन का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, एलर्जी का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को डस्ट एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है, वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। और ये जो ठंड के मौसम पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के च्यवनप्राश खाते हैं, राइट, आपके ठंड से बचाए रखने के लिए, सर्दी जुकाम से बचाए रखने के लिए आप उस जगह पे नीम को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि नीम भी आपके शरीर को हीट रखता है, अंदर से गर्म रखने का काम करता है, और साथ ही साथ आपके शरीर को जुकाम से और ये ठंड लगने से बचाए रखने का काम भी करता है।